नाम बताइए तो। मेरा नाम कुमारी रंजन लता है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा कला जिला कैमूर में पोस्टेड हूँ। ये बिहार स्टेट में पढ़ता है। तो आप इतना प्रेरित है तो आप अपने समाज के बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं आज 4 साल से प्रताड़ित हो रही हूँ और मैं अपने समाज के लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। और मेरी एजुकेशन तो मैं MSc की हूँ और मैं 4 विषय से MA भी हूँ, BEd MEd की हूँ, अभी मैं PhD कर रही हूँ। तो मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं और मेरी जैसी एक, मैं हरजन चमार कास्ट से बिलोंग करती हूँ और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की मैं वंशज हूँ, मुझे आई प्राउड ऑफ माई कास्ट। तो हमारे समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोचिए कि आज हमारे जैसी जब एक पढ़ी लिखी महिला है और आज जब इस सदी में देख रहे हैं कि हमारे साथ इतना एक स्वर्ण जो प्रभारी है, इस तरह से विद्यालय ये कहा जाता है कि एक मंदिर है, विद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है और एक विद्यालय में यही वो जगह है जहाँ पे हेडमास्टर मेरे साथ मारपीट किया था, हमको जमीन पे गिरा दिया था और मैं केस करने जाती हूँ तो जनरल थाना पे केस नहीं होने देता है, महिला थाना पे केस नहीं होने देता है। फिर इसके बाद मैं जनरल थाना पे गई, मेरा केस नहीं होने देता है और इसके बाद केस कहीं नहीं होने देता है। मैं 4 दिन में थाना पे दौड़ते रही, 4 दिन में थाना पे दौड़ते रही, मेरा केस तक दर्ज नहीं किया गया। और इसके बाद आज नवंबर 2017 से लेकर अभी तक मेरा इतने सालों से मारपीट किया गया, उल्टे मेरा वेतन बाधित किया गया, आज 4 साल हो गया है। इसके बाद मुझे रजिस्टर पे हाजिरी तक नहीं बनाने दिया जाता है, मुझे प्रैक्टिकल का कॉपी तक नहीं जाँचने दिया जाता है। मतलब मेरा जो विज्ञान शिक्षिका का जो एक अधिकार होता है, उस अधिकार से मुझे वंचित किया जा रहा है। इस जो प्रभारी जो है आशुतोष राय है, इसके द्वारा मैं विभाग में सूचना दे रही हूँ, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। भाई लोग, मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कब तक इन स्वर्णों का अत्याचार जुल्म हम लोग सहते रहेंगे? आप लोग आवाज़ उठाइए, हम क्या है, मैं महिला अपने लिए लड़ रही हूँ। आज इससे मेरा 4-4 केस मैं लड़ रही हूँ, इसके साथ ह्यूमन राइट गई, मैं SC आयोग गई, मैं महिला आयोग गई, मैं हाई कोर्ट CWJC फाइल की हूँ, इसके बाद प्रधान सचिव, इसके बाद माध्यमिक डायरेक्टर, मैं राज्यपाल तक गई, मैं मुख्यमंत्री को फैक्स की, मैं हर जगह जाकर थक गई हूँ, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो आखिर कब तक हम लोग जुल्म अत्याचार सहेंगे? आप लोग एक होइए, बाबा साहब का कहना था कि संगठित होइए, संघर्ष करिए। उनके कारवा को आप लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो कहते हैं कि, उनका कहना था कि पीछे मत ढकेलो, कम से कम एक होइए आप लोग, अपने संघर्ष के लिए आप लोग आगे बढ़िए, अपने अधिकार को जानिए। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि शिक्षित, आज मैं शिक्षित हूँ, पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरा अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। आज जानते हैं, आज हेडमास्टर मेरे साथ जिस तरह से अश्लील हरकत कर रहा है, मेरे साथ छेड़खानी किया है, उसका यही सोच था कि इस लड़की के साथ हम नाजायज संबंध बना लें। और आज मेरा यकीन मानिए भाई लोग, आज जिस तरह से हमको ये आर्थिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, मेरे समाज के लोग मेरा साथ नहीं दे रहा है। कृपया मुझे आप लोग क्षमा करिएगा, लेकिन ये मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है कि आज हमारे समाज के लोग क्या MLA नहीं है, क्या विधानसभा में नहीं है, क्या MP नहीं है, क्या विधायक नहीं है, क्या मंत्री नहीं है, लेकिन कहीं लोग अपना लोग कहीं साथ नहीं दे रहे हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि आज हम लोग में इतनी बैकवर्डनेस है। तो आप लोग एकजुट होइए, मेरे जैसी न जाने कितने हजारों लाखों भाई बहन जो है, चाहे शिक्षा विभाग से प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे पुलिस विभाग में प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हिम्मत तो हम लोग कब तक हम लोग का हिम्मत जो जुटा पाएंगे? हिम्मत जब हार जाता है आदमी, जब अपने लोग साथ नहीं देते हैं। अपने लोगों का साथ दीजिए, जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए, संगठित होइए, समाज के लोग आगे आए। इसमें जो अपने समाज के लोग हैं, जो ऊंचे पोस्ट पे है, वो हम लोग का हेल्प करें, मदद करें। आज हम देखिए इससे अधिकार लड़ रहे हैं, आज हमारा जो समाज के जो कुछ लोग हैं जो खुद शोषण करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपने हाथ जोड़कर अपने समाज के लोगों से मैं विनती कर रही हूँ, आप लोग शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आज हमारे बाप दादा जो पूर्वजों के समय से थे, दबे कुचले थे, लात जूता खाते थे इन लोगों को, आज यही सोच इन लोगों का है कि आज भी हम लोग उसी तरह शोषण इन लोगों के साथ हो, हमारे साथ रेप करे, बलात्कार करे, शोषण करे। तो अब हम लोग न्यू जनरेशन के हैं, हम लोग नहीं सह पाएंगे इस चीज़ को। तो इस तरह से भाई लोग, आप लोग आवाज़ उठाइए। और मैं यूट्यूब के माध्यम से आज मैं अपना विचार जो है रख रही हूँ और हमें आप लोगों से ये पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप लोग शेयर करिए, जानिए कि एक महिला के अंदर इतना हिम्मत है, मेरे अंदर इतना हिम्मत है आवाज़ उठाने का। मुझे ये हेडमास्टर कई बार धमकी दे चुका है कि तुम्हारा जान मरवा देंगे, गोली मरवा देंगे।
सोचिए, इतना होने के बावजूद मैं डर नहीं रही मुझसे, फिर भी आज मैं खड़ी हूँ। क्यों? अगर सोचिए अपने लोगों का साथ मिल जाए तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारी लड़ाई जारी है और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग हमारी लड़ाई में हमारा साथ दें। धन्यवाद।